हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार, आपको टेक टेक्निकल में स्वागत है। आज बात करने वाले हैं, किसी कैमरा का रिजोल्यूशन कम करना चाहते हैं यानी कि उसका क्वालिटी कम करना चाहते हैं, 1080 पर है तो आप 720 पर चलाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से सेटिंग करें। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं मेरा दो कैमरा चालू है, तो यहाँ पे हम मेन मेनू खोलेंगे। मेन मेनू खोलने के बाद यहाँ पे हम इन कोड में जाएंगे। इन कोड यहाँ पे जो भी फर्स्ट नंबर में ऑडियो एंड वीडियो इन कोड जो आ रहा है, यहाँ पे जो भी कैमरा चैनल नंबर 1 है इसमें आपको देखना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चैनल नंबर 1 है। किसी चैनल को आप मान लिया जाए अंदर वाला कोई ऐसा कैमरा है जिसका रिजोल्यूशन आप कम रखना चाहते हैं और उसका रिकॉर्डिंग ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1st नंबर कैमरा ले लेते हैं और यहाँ पे डार्क में सब रेगुलर रहने दें, कंप्रेशन में भी कोट रहने दें। उसके बाद रिजोल्यूशन आप देख रहे हैं, यहाँ से 960 से 576 के बीच ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ से हम ओपन करेंगे तो इस तरह से उसका पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो जो आपका 960 से चल रहा है वो 704 से आपका ये 1st नंबर है, 2nd नंबर पर्सन है जो कोड, उसको आप यूज कर सकते हैं। उससे भी आप कम क्वालिटी चाहते हैं तो आप नीचे में जा सकते हैं, और अगर क्वालिटी और बेटर चाहते हैं तो आप जितना पे चल रहा है आप उतना पर चलने दें, नहीं तो इसे कम करके इस तरह से इसको आप कम कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 352 यानी 352 और 288 यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सॉरी, और उसके बाद यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद यहाँ सेव कर दें, जो इसका रिकॉर्डिंग क्वालिटी होगा 1st नंबर का ये थोड़ा सा काफ़ी लो होगा और ये काफ़ी दिन तक आपके मेमोरी कार्ड में स्टॉक रहेगा, सेव रहेगा, यानी कि जो आपका रिकॉर्डिंग 10 दिन का हो रहा है मैक्सिमम आपका 16-17 दिन का हो जाएगा। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको फिर इसको LED में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर से आप मेनू खोल लें। मेनू खोलने के बाद आप इन कोड में जाएं। इन कोड में जाने के बाद जो आपका 1st नंबर कैमरा या 2nd नंबर कैमरा है वो यहाँ से आप ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कर दें। तो डिफॉल्ट करने के बाद जो आपका DVR का सेटअप है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा और यहाँ से इसे अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप सेव कर दें तो आपका जिस तरह से पहले रिकॉर्डिंग हो रहा था सेम उसी तरह से रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।